हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप समझ सकते हैं हम किसी हिल स्टेशन पे हैं और इस टाइम हम हैं नैनीताल। हम आए हैं नैनीताल घूमने। बाकी ठंड का क्या ही बोलना, बहुत भयंकर वाली ठंड है, बिल्कुल बोला नहीं जा रहा है। और अभी तो फ़िलहाल मॉल रोड पे हैं, तो चलिए आप भी मेरे साथ नैनीताल घूम लीजिए। अभी पैदल पैदल हम लोग जा रहे हैं बोट रोड की साइड। ये रही नैनी झील। तो बोटिंग आज हम लोग नहीं किए, बट कल हम लोग बोटिंग करेंगे। यहाँ का सेल्फी पॉइंट जो आपको मॉल रोड के पास ही मिल जाएगा। पहाड़ों पे आओ और मैगी ना खाओ, ये तो इम्पॉसिबल है। तो अभी यहाँ पे हम लोग मैगी बनवाते हैं और फिर गरम गरम चाय पीते, क्योंकि ठंडी बहुत है। तो चाय पियेंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। शॉपिंग टाइम, मॉल रोड पे आइए तो बहुत सारे सामान आपको मिल जाएंगे। हाई नेक, क्या रेट है भैया हाई नेक का? 350। काफी अच्छा है। देवी मंदिर, जय माता रानी की। मंदिर में अब अंदर चलते हैं। भगवान यहाँ से दिख रहे हैं। यहाँ से मॉल रोड कितना सुंदर लग रहा है ना। जूते चप्पल निकालने का डे टू है नैनीताल में, और जो हम होटल की हैं आपको वो दिखा देते हैं। 2000 पर डे के हिसाब से है ये। प्रॉपर नैनीताल में नहीं है, उससे पहले बंदलिया खाने से बताइए कोई जगह है वहाँ पे है ये। और लेकिन ये प्रॉपर्टी वुडन है, बट है बहुत अच्छी। इसका नाम है द जंगल होम। तो वैसे तो अभी रूम पूरा ऐसे फैला वैला है, लेकिन फिर भी चलिए आपको एक लुक इसका दे देते हैं। तो ये बाहर का नज़ारा है। फिर जब आप अंदर आते हैं तो हमारा ये वाला रूम है। ये जैसा हम पहले आपको बताया, ये पूरा वुडन है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल रूम है, नो डाउट। टीवी भी है और वॉशरूम भी एकदम नीट एंड क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वॉशरूम है। ये था रूम का लुक, और रूम अच्छा है, साफ है, और यहाँ पे मतलब हर चीज़ सही है। बाकी अगर आप नैनीताल आते हैं तो अगर आपके पास अपनी कैब है या फिर अपनी कैब आप हायर करते हैं, अपनी फोर व्हीलर तब तो मच बेटर है। कैब हायर करते हैं तो इस जगह को आप बिल्कुल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप शेयर टैक्सी से आ रहे हैं तो ये बहुत नीचे में है, तो वहाँ आपको दिक्कत होगी, तब आप ये मत कीजिएगा। बाकी आज हम लोग लोकल नैनीताल साइट सीन के लिए निकलेंगे, तो फिर मिलते हैं कुछ देर बाद। आगे हम लोग वुडलैंड वाटरफॉल में, और इसका टिकट है 50 रुपये। वाटरफॉल के रूल्स एंड रूल्स रेगुलेशन। ये अंदर का नज़ारा, वाटरफॉल बहुत सुंदर है ये। वो देखो झरना कहाँ से गिर रहा है, ऑसम। कैसा लग रहा है अम्मी? ओह वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। पानी की आवाज। ये है बुरांज का जूस जो यहाँ पहाड़ों में मिलता है, पहाड़ों का एक फ्लावर होता है। और कितना सही नजारा है। बोटानिकल गार्डन नैनीताल, यहाँ पे आप जहाँ भी आएंगे वहाँ टिकट लगेगा। यहाँ पे टिकट है, यहाँ भी 50 रुपीज। बोटानिकल गार्डन कैंटीन, तो यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये एंट्री पॉइंट, पहाड़ कितने सुंदर यहाँ से लग रहे हैं, वाओ ऑसम। बटरफ्लाई बनी है बॉटल की हेल्प से, कितनी सुंदर बनी है ना, कितनी क्रिएटिविटी है इसमें। सांभर भैया, ये देखते चलो अब फूलों के नाम, पौधों के नाम। टॉर्च लिली, ओ माय गॉड, पितू। ये पता नहीं है कहीं, ये डॉग फ्लावर, ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं।
रात की रानी, कितना सुंदर लग रहा है। ये जो रात की रानी है वो सिर्फ रात में ही दिखती है, दिन में दिखती नहीं है। तो हम लोगों को क्यों दिख रही है? अच्छा अच्छा, ये बहुत स्पेशल वाली है। ओ माय गॉड, चलो हम लोग आड़ू आड़ू हारने आड़ू अफ्रीकन डेजी। अभी हम लोग जा रहे हैं खुरपाताल। ये रास्ते में ये यहाँ से नज़ारा कहाँ है लेक भाई? लेक उधर गई। अब यहाँ से हल्की हल्की दिख रही है, साफ नहीं। ये दिख रही है यहाँ पे, ये लेक खुरपाताल लेक। ये हिमालय दर्शन, यहाँ से ये हिमालय दिखता है, बट अभी उतना साफ नहीं है। मॉर्निंग में एकदम ये साफ दिखता है। ये मैंगो लेक है, इसका शेप बिल्कुल मैंगो जैसा है। एक यही झील है जो जमती नहीं है। कितनी सुंदर लग रही है ना ये झील, बहुत सुंदर। और इसका व्यू आप ऊपर ही से ले सकते हैं, नीचे से नहीं। इको केव पार्क, 100 रुपीज़ टिकट। अभी हम लोग जा रहे हैं इको केव गार्डन में। इसका रास्ता बहुत खतरनाक वाला है। नाच रहा है, डांस। अरे आँख खोलो, आँख। आई वाह भाई वाह, केव इधर से भी और इधर से भी। इधर से हम लोग चलते हैं केव की तरफ। वी टू केव, बुल राइड, बुल। बना के असली सर से ये पैंथर केव है, इसीलिए तो इतनी आवाज आ रही है। रियल में है क्या? आहा, क्या आवाज है। केव का रास्ता, माइंड योर हेड। ये गुफा अंदर से। अब कितनी और है? खत्म हो गई गुफा? गुफा खत्म नहीं, अभी बहुत है। ये जगह अच्छी है। केव गुफा तो भैया उसका एक्सपीरियंस एकदम अलग था, बहुत भयंकर था। क्यों? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। नहीं, जो हिम्मती और डेयरिंग हो सिर्फ वही जाए, बाकी ऐसे कोई ना जाए। मतलब हमें तो लगा एकदम सांस ऊपर नीचे हो गई थी, इतना अंधेरा केव है तो अंधेरा तो रहेगा ही। खैर फिलहाल एरिया और भगवान का नाम लेके और बाहर निकले। फिर अभी हम लोग एक जगह आए हैं यहीं सामने, कॉफ़ी पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फिर अब तो मॉल रोड ही जाना है जहाँ कल गए थे। तो आ गई कॉफ़ी, गर्मा गर्म कॉफ़ी, ठंडे ठंडे मौसम में गर्म गर्म कॉफ़ी। जा रहे हैं बोटिंग करने का, 210 रुपये है। अब जा रहे हैं हम लोग बोटिंग करने। आज है हमारा नैनीताल में D3 और आज ही हमारा यहाँ से चेकआउट है होटल से। बाकी अभी हमें जाना नीम करौली बाबा कैची धाम, जो बहुत फेमस टेंपल है, आप सबको उसके बारे में पता होगा। फिर उसके बाद से भीमताल जाएंगे, नकुचिया ताल जाएंगे, फिर उसके बाद कहीं नहीं ट्रेन पकड़ेंगे और फिर घर निकल जाएंगे। पहाड़ कितने पीसफुल होते हैं ना, बहुत सुंदर लगते हैं। आप जब भी कहीं बाहर जाइए तो जो ये डॉग्स होते हैं, कोई भी ऐसा एनिमल जिसे आप लोगों को लगता है कि आप उसे कुछ खिला सकते हैं, तो उन्हें फीड जरूर करिए। देखिए कितने प्यार से ये खा रहा है यहाँ पे, पता नहीं कैसे उसकी भूख मिटर गई है। आगे हम लोग बाबा नीम करौली कैची धाम। ये जो मंदिर आपको देखिए, यही कैची धाम है। तो अंदर तो फ़ोन अलाउ है नहीं कि हम आपको कुछ पाका व्लॉग शूट कर पाएँ। आप भी यहीं से दर्शन कर लीजिए। और लोगों की आस्था नीम करौली बाबा में बहुत ज़्यादा है, भीड़ भी बहुत भयंकर वाली है। तो नीम करौली बाबा के बाद अभी हम लोग आ गए हैं सात ताल, और सात ताल में सात ताल है, देखते कोई एक्टिविटी हो, देखते हैं आगे क्या क्या है। तो यहाँ पे भी वही बोटिंग है, बट ये सात ताल दिखाते हैं। तो बोटिंग तो कल ही हम लोग कर चुके थे नैनी लेक में, तो अब कुछ नहीं है यहाँ पे, बस चाय पानी करते हैं फिर उसके बाद आगे निकलते हैं। हाँ, ये बोटिंग जो है, ये बोट बहुत सुंदर सुंदर है। ये तो है नहीं, बहुत सुंदर सुंदर सी बोट है। ये हम लोग यहाँ खा रहे हैं ये नूडल्स, टी और ये ग्रिल्ड मोमोज।
ये नकुचिया ताल है और यहाँ पे एक्टिविटीज वो बलून वाली एक्टिविटी दिख रही है ना, वो बलून राउंड एंड राउंड वो घूमता है और कोई भी उसमें खड़ा नहीं हो पाता है, सब गिर जाते हैं। ये भी तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ का यहाँ पे डिफरेंट चार्जेस हैं। ये भीम ताल है और हम लोग यहाँ बहुत रात में पहुँचे तो यहाँ पे सिर्फ एक म्यूज़िकल शो हो रहा है, बाकी लोग आ रहे हैं लेकिन काफ़ी रात हो गई है। तो इसके साथ ही नैनीताल का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय।